फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम बैक टू अरुज फूड एंड लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आज का थीम है सिंड्रेला केक। तो कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। तो मेरे पहले के वीडियो में आपने देखे होंगे बेस को कैसे बनाना है, वैसे ही सेम यहाँ पर क्रश शुगर सिरप व्हिपिंग क्रीम लगाकर तैयार किया है और ऊपर से सिर्फ क्या किया है डिज़ाइन बनाया है। तो आपके साथ डिज़ाइन शेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पेन से क्या करना है, डिज़ाइन को मार्क करना है। जो गूगल पे मिलते हैं पिक्चर या आपके कस्टमर भेजे होंगे तो उसके अनुसार आप डिज़ाइन करना है। और यहाँ पर जो डिज़ाइन में किस तरह का ड्रेस का कलर है वो बनाना है। तो पिंक है, पिंक शेड में है, तो इसलिए थोड़ा सा व्हाइट व्हिपिंग क्रीम में कलर मिक्स करके अब हम क्या करेंगे, नोज़ल और पाइपिंग बैग डाल दिया है। और नोज़ल कौन सा यूज़ कर रही हूँ, यानी रोज़ का नोज़ल यूज़ कर रही हूँ। तो आज हम रोज़ बनाने का जो नोज़ल है ना, उससे हम जो सिंड्रेला का ड्रेस बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ, तो इसे क्या करना है, ऐसे जो रोज़ बनाते हैं ना वही नोज़ल से उसका ड्रेस बना रहे हैं। तो नीचे का गाढ़ा एकदम डार्क क्या करना है, पिंक कलर का शेड लेना है और ऐसे हाफ तक क्या करना है पिंक कलर का करना है। बाद में वो व्हिपिंग क्रीम निकाल के उसी पैपिंग बैग में, थोड़ा पिंकी शेड में रहता है तो उसमें क्या करना है वाइट व्हिप क्रीम डालना है। तो यहाँ पर शेड थोड़ा सा क्या होता है लाइट आता है, लाइट वेट आ जाता है। तो यहाँ पर उसका ड्रेस का इस तरह डिज़ाइन बनता है। तो आपको नीचे डार्क करना है और ऊपर थोड़ा क्या करना है फेंट करना है। तो अब उसका ब्लाउज़ का डिज़ाइन बना रहे हैं, स्टार नोज़ल जो बारबी केक के लिए मैं यूज़ करती हूँ ना, मेरे पहले के वीडियो में आपने देखे होंगे वही नोज़ल से क्या कर रहे हैं, उसका ब्लाउज़ का डिज़ाइन बना रहे हैं। तो स्टार, छोटे छोटे स्टार्स वहाँ पर लगा रहे हैं। तो उसके हाथ के लिए ऑरेंज कलर दिया है, थोड़ा वाइट कलर व्हिपिंग क्रीम में ऑरेंज मिक्स करके। अब उसके बालों को हम ब्राउन बना रहे हैं, तो काला रंग नहीं है तो इसलिए ब्राउन बना रही हूँ। तो ब्राउन कलर भी बहुत निखर के आ रहा है, तो वहाँ पर मार्क किया है ना, तो यहाँ पर ड्राइंग किया है। ड्राइंग के ऊपर सिर्फ हमें क्या करना है, डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर जो पाइपिंग बैग को थोड़ा सा आगे का कट करके क्या करेंगे, जो यहाँ पर इस तरह फिलअप करेंगे। तो उसका सर के बाल और चोटी बनाया है, तो इस तरह बनाया। और वहाँ पर देखिए बाल थोड़े खुले हैं और उसका बो और उसका एक हेयर एक्सेसरी डाल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, ग्रास का नोज़ल यूज़ कर रहे हैं। तो दूसरा पाइपिंग बैग लिया और ग्रास का नोज़ल डाल के क्या किया, यहाँ पर जो लकड़ी का जो वेल रहता है ना, तो उसका डिज़ाइन करना है, जिगजैग में क्या करना है जो डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरह बना दिया। और स्टार का नोज़ल था ना, उसी से हमने फ्लावर्स बीच बीच में डाल दिया, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पत्ते जो हरियाली दिखनी चाहिए ना, तो इसलिए। अब हम हरा रंग ले रहे हैं, तो पाइपिंग बैग का आगे का टोक निकाल के क्या किया है, अब हम उसके पत्ते बनाएंगे। तो यहाँ पर नोज़ल यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ यहाँ पर पाइपिंग बैग में कलर भर के क्या करना है, जिस तरह मेहंदी का डिज़ाइन बनाते हैं ना, वैसे ही क्या करना है, थोड़े पत्ते यहाँ पर निकालना है, राउंड शेप देके फिलअप करना है, तो वो पत्ते बन जाएंगे। तो इस तरह सिंड्रेला केक हमारा रेडी हो गया है। तो तो अब डेकोरेशन के लिए हम क्या लगा रहे हैं, सिल्वर बॉल्स बीच बीच में लगा रहे हैं। तो इस तरह डिज़ाइन बन गया है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन गया है। मेरे कस्टमर को बहुत ही लाइक आ गया, बहुत ही उनको पसंद आ गया है। ऐसे में चैलेंजेस लेकर मैं ऐसे बनाती हूँ केक, तो आप भी एक बार ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, टेस्ट भी बना हुआ है। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो कोई भी नए व्यूवर्स है प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा खाली खाली लग रहा था, तो इसलिए कलर बॉल्स से हम क्या करेंगे, थोड़ा स्प्रिंग करेंगे। तो इस तरह हमारा रेडी हो गया सिंड्रेला केक। तो प्लीज़ जो कोई भी नए व्यूवर्स है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।